वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। मेरा नाम है सुशांत। अभी आप सब लोग देख रहे हैं सुशांत नैनवाल व्लॉग। और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं अभी अभी सो के उठा हूँ। तो आज हम जा रहे हैं पौड़ी और अभी मेरा दोस्त मेरे को पिक करने आने वाला है। उसके आने तक मैं भी रेडी हो जाता हूँ। गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ और मीट माय बचपन का चड्डी बड्डी आकाश, जिसके साथ हम जा रहे हैं पौड़ी। गाइस अभी हमारा पौड़ी जाना कैंसिल हो चुका है, बिकॉज वहाँ पे जो काम था अब वो हो चुका है। एंड जिसे मैं आकाश से मतलब मिला तो पहले भी था, बट अब जैसा जो क्वालिटी टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं ना साथ में, जैसा अभी घूमने जा रहे हैं, तो ऐसे तो हम करीबन 5-6 साल बाद स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। क्यों भाई आकाश, सही बात? तो जिसे नहीं पता ना तो उसे मैं बता देता हूँ कि आकाश में और जो शिवम है ना, हम तीनों की ना गैंग थी 9th क्लास से। तीनों साथ में बैठे रहते थे हमेशा से, बट अब जैसे जैसे बड़े यू नो सब अलग अलग होते रहे। तो सबसे पहले आकाश गया, फिर शिवम गया, मैं वहीं रह गया यार। मैं कहीं नहीं जा पाया, बट अभी जाऊंगा बाद में। अभी हमें रास्ता कैफे में, बिकॉज हमें भूख लग गई थी तो हम यहाँ पे रुक गए थे। तो मैं ना तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ आकाश और मेरी। हम 9th क्लास में थे तो बेंच होती थी ना, तो मैं फर्स्ट रूम में बैठता था, बेंच के इधर से फर्स्ट में। तो ये बार बार मेरा बैग हटा देता था और खुद बैठ जाता था उधर, क्योंकि उधर पंखा था नीचे। तो एक दिन इसने ऐसे किया, दो दिन ऐसे किया, तीन दिन ऐसे किया, फिर चौथे दिन मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसका बैग हटा दिया, मतलब वैसे फेंक दिया। तब इसके और मेरी लड़ाई शुरू हो गई, ये मुझे धक्का दे रहा है, मैं उसे धक्का दे रहा हूँ। और बगल में ना हमारे बेंच के बगल में लड़की बैठती थी, जैसे इसने मुझे धक्का दिया और फिर मेरे को ज्यादा ही गुस्सा आ गया, मैंने इसे बहुत तेज धक्का दिया, ये सीधा लड़कियों के ऊपर जाके लेट गया। तो लड़कियों ने क्लास से बाहर भागना शुरू कर दिया। बाहर से एक टीचर आ रहा था, देवलियाल, तो उसने देख दिया और जैसे क्लास में आया तो मैं तो अंदर घुस गया चुपचाप से बेंच के अंदर, आई बेंच के बाहर मेरे को लपेट लिया था उसने, बहन के दाए थप्पड़ दे थप्पड़। तो उसने बाहर बुलाया, हम बाहर आए नहीं, हम भी जम गए वहाँ कि हम बाहर नहीं आ रहे, आप अंदर आ जाओ। वो अंदर आया, उसने मेरे दो रपट मारे पहले, मैंने बोला मैंने क्या किया, इसने किया जो किया है। वो लपेटा था पहले और फिर मेरे तो दो थप्पड़ मार के छोड़ दिए, इसका कुत्ता बनाया उसने, मार मार के लिटाया भाई इसे। तो मैं एक आता हूँ वैसे किस्से तो बहुत सारे हैं, पर आपको ना एक किस्सा और बताता हूँ। वाला नहीं बताया क्या स्कूल वाला? तो वो पहले छोड़ देगा जिसमें तेरे आ गया था सीन है, गिर गया। तो एक किस्सा ये है कि एक बार ना आकाश की कजन की शादी थी, तो उसने मुझे और शिवम को इनवाइट किया था और 4-5 और दोस्त थे हमारे। तो हम शादी में जा रहे थे, तो पता नहीं कुछ हुआ, तब तक आकाश ने बोला कि जरा वहां चलना, कुछ बात करके आनी है। तो हम थोड़ा सा इसके घर से नीचे गए, तो हम दूसरी बारात जा रही थी, तो वहाँ पे कुछ बात बात करी, तो बात तो शॉर्ट हो गई थी। मैं वापस जा रहा था, मैंने पीछे घूम के देखा, वहाँ पे मतलब 4-5 लौंडे तो छोड़ो, पूरी बारात चिपक गई थी इसमें, इसे मार रहे बेल्ट से, पत्थर से, बोतल वोटल सब फोड़ रहे इसमें, जहाँ मतलब जहाँ ये मुंह घुमा रहा है इसके वहां चबत पड़ रहा है। तो मैं आया भाग भाग के, मैंने बोला यार इसकी तो खून निकल गई। तो मैं पीछे से घुसा, मैंने इसे पकड़ा और सीधा पीछे किया, ऐसे ऐसे ढक दिया इसे, ताकि इसे अब ज्यादा ना लगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लग गई थी इसे। और फिर जैसे मैं इसे ढक रखा था ना, तो एक बंदा आया भीड़ में से निकल के, उसने मेरा कॉलर पकड़ा। तो जब उसने मेरा कॉलर पकड़ा ना, मेरे मन में बात चली कि भाई अब तो इसने कॉलर पकड़ दिया, बेइज्जती हो गई। दो चीज आई मेरे मन में, मारू ना मारू, मैंने उसे मार ही देता हूँ। अगर कॉलर पकड़ ही दिया इसने तो भाई मेरे हाथ में जो आया मैंने उसे घुमा के मारा उसके मुंह पे, उसके ना नाक में बहुत गहरी चोट आ गई थी और वो ना बैठ गया नीचे दर्द के मारे। और 2 मिनट में सब शांत हो गया, मतलब कोई आ नहीं रहा था, सब डर से गए थे। तब फिर उन्होंने मुझे बजाना शुरू कर दिया, भाई मुझे मार रहे इधर से, कोई पत्थर मार रहा है, कोई कुछ मार रहा है, कोई बेल्ट मार रहा है, मारा मारा ऐसे तो चक्कर आ गए थे, पीछे लेटा हुआ था। तो इसको तब तक थोड़ा होश आया, इसने अपने भाई भाई को कॉल कर दी थी, बड़े भाई को, तब वो आए और जैसे वो आया वो सब भाग गए। तो पकड़ा था हाँ, पर उनमें से ना एक पकड़ा गया था। तो जब उसे मारा ना भाई, उसे इतना भयंकर मारा कि उसे नंगा कर दिया था, पूरा मार मार के पूरे कपड़े फाड़ दिए थे उसके बाद वाला सीन तो सभी को पता है।
फिर उसे नंगा करके भेजा। फिर एक दो दिन बाद ना हमने सबको घर का पता निकलवाया। जब घर का पता करके निकलवाया ना तो वहां से बाहर बुलाया हमने उनके चौराहे में, तो उन्हें चौराहे से बाहर निकाल के बेल्टी बेल्ट से मारा था। अब जाके पूरा हिसाब बराबर हुआ था भाई। मतलब मेरे ना घुटने में चोट आई थी उस दिन, और उस घुटने में भाई आज तक दर्द होता है। ये निशान इसके उसी दिन का ही वाला, सर में टाके भी दिखा पीछे, हाँ पीछे भी इसका सर फटा था। तो मतलब मेरे को तो ज्यादा चोट आई नहीं, पर इसे बहुत ज्यादा चोट आ गई थी। ये उसके बाद सीधा हॉस्पिटल पहुंचा था, और फिर मैंने फिर घर पे भी मार खाई। भाई पूरे कपड़े फटे हुए थे, शर्ट वर्ट नए नए कपड़े पहन के आ रखा था, सब कुछ फट फुट गया। इसके साथ खरीदी थी बल्कि मैंने उस दिन शर्ट और जीन्स भी उसी दिन फट गए थे। भाई पर हमने स्कूल में ना बहुत मतलब बहुत मजे किए थे बहुत। तो गाइस तुम्हारे भाई के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और कल मेरा लास्ट एग्जाम था, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना बिकॉज अब एक से एक अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे। देखते रहना, और अभी तो हम जरा खा पी रहे हैं। अब न्यू ईयर से मैं काफी कुछ चीजें करूंगा, तो बने रहना मेरे साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। आप सब्सक्राइब नहीं करते देख के भाग जाते, ऐसा चालान कट जाएगा आप लोगों का। ऐसा करोगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। पर एक बात है ना कि मैं सेम से मिला तेरे से भी मिला, पर कभी हम काफी टाइम हो गया हम तीनों साथ में नहीं बैठे। नहीं बहुत टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया यार, बहुत ज्यादा टाइम, बहुत यार। तो मेरे को दोस्त मिले बहुत लोगों से मिला मैं इतने सालों में, पर सेम इसकी और मेरी जैसी दोस्ती थी ना भाई, वो दोस्ती कभी किसी से हुई नहीं और शायद कभी आगे होगी भी नहीं। तीनों जहाँ जाकर साथ ही है भाई, हम तीनों साथ रहते, हमारा ट्राइव था भाई बहुत तगड़ा। कोई मिला नहीं यार वैसा आज तक, अरे मिलेगा भी नहीं सही बात बताऊँ तो, क्योंकि यार दोस्ती हमेशा स्कूल टाइम पे ही होती है यार, आगे कभी दोस्ती हो भी नहीं सकती। तो पहले जब हम 10th में थे ना तो किसी के पास गाड़ी रहती नहीं थी, सिर्फ मैं ही था इन दोनों में, इसके बाद गाड़ी गाड़ी वाले ही था। तो बस मेरा रोल ये रहता था कि मुझे गाड़ी लानी है, बाकी थोड़े पैसे ये करता था और थोड़े पैसे सेव करता था, तेल भराते थे, फिर तीनों घूमने निकल जाते थे। खाने का ये भी सीन रहता था, खाना अगर मैं खिलाऊंगा तो पैसे ये देगा। बहुत मजे की यार, अब बचपन में पैसे नहीं रहते थे पर जो वो टाइम था ना वही था भाई, जो था 50 रुपए का तेल आते भाई उस टाइम तो 50-50 के रुपए के तेल में घूमते थे। ये साल आ गया था तेल, गाड़ी ले आऊंगा तेल भरा दियो बस भाई। यार मजे बहुत करे जिंदगी के मजे, वो सीटे बेकार यार। तो गाइस आपको ना एक सीख देता हूँ लाइफ की, पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो तरसों तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप सबको गधा मजदूरी करनी पड़ेगी। और वैसे भी तुम्हारे सामने लाइफ एग्जांपल है यार, जैसे कि मेरा और शिवम और आकाश का, मैं पहले पढ़ाई से भागता रहा तो अब पढ़ ही रहा हूँ, और इन दोनों ने टाइम से पढ़ाई कर ली तो जॉब लगे हुई है इन दोनों की। तो भाई यही होता है यार कि पढ़ाई कर लो टाइम से, वही सही रहता है, पढ़ाई से भागो मत, पढ़ाई से भागोगे तो भाई जिंदगी तुम्हें भगा देगी, और साथ साथ जो समय है उसके साथ साथ पढ़ाई करोगे तो भाई लाइफ तुम्हें बहुत ऊपर उठा देगी। तो बस यही बोलूँगा यार कि भागो मत पढ़ाई से, ना गधा मजदूरी करते रह जाओगे लाइफ में। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, बिकॉज हमने खा पी के पूरा कॉलेज टाइम बिता के इंजॉय कर चुका है, और पौड़ी हम इसलिए नहीं गए क्योंकि कुछ काम था जो कि ओवर हो चुका था उसी टाइम, और अब हम निकलेंगे अपने घर की ओर, तो डायरेक्ट वहीं मिलते हैं। गाड़ी को भी साइकिल बना रखा, भयंकर ऐसे भगाया जा रहा है, भयंकर यकीन नहीं करोगे यार। तो अब आकाश जा रहा है अपने घर और मैं जा रहा हूँ अपने घर। तो जैसे मैं आकाश से मिल के अंदर आया ना तो पैबलो आया मटकते मटकते मेरे पास, ऐसे ही उछल रहा था, तो उछलते उछलते उसने मेरी चेन पकड़ी और चेन का ये हाल कर दिया। क्या कर सकते हैं, मार भी तो नहीं सकता बेचारे को, बट कोई नहीं जुड़वा लूंगा। और आज के लिए इतना ही, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और यार सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना यार, नीचे रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब का उसमें प्रेस कर देना, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।